हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर जो यूपीएससी की इम्पॉर्टेंस बुक्स वगैरह होती है उसकी रिव्यू लेकर आती हूँ, ताकि आप जब बुक को परचेज़ करें तो उस बुक का आप रिव्यू देख लेंगे तो आपको उस बुक को लेने में और डिसाइड करने में आसानी हो। आप जिस सब्जेक्ट्स की भी बुक ले रहे हैं उसको उसकी रिव्यू देख लेंगे तो आपको वो चीज़ को डिसाइड करने में आपको आसानी होगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये यूपीएससी की कंपलसरी इंग्लिश का सॉल्ट पेपर है जिसका रिव्यू आज मैं करने जा रही हूँ और आपको मैं बताने वाली हूँ कि इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें ऐड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉल्ट पेपर मेरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 6 एड पेपर यूपीएससी की है, वो 2001 से 2019 तक की है। और ये सिर्फ एक सॉल्ट पेपर है, आप किसी भी इसका, ये जीकेपी कुछ है और ये एपी भारद्वाज के द्वारा प्रकाश मतलब लिखा गया है शायद, तो उनकी बुक है। आप इंग्लिश कंपलसरी की कोई भी सॉल्ट पेपर उठा सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी और मैंने इसको पढ़ा है तो आज मैं इसका रिव्यू करूंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के लिए होता है हमारा इंग्लिश कंपलसरी, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं यहाँ पे देख सकते हैं। सॉल्व यूपीएससी कंपलसरी इंग्लिश 2019 तक के पेपर है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व है HCS जुडिशियल 2019 इंग्लिश पेपर, और फिर यहाँ पे है सॉल्व PCS जुडिशियल का, उसी तरह से यहाँ पे है सॉल्व PCS एग्जीक्यूटिव 2018 इंग्लिश पेपर। मतलब ये यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया है। और इसमें बाकी चीज़ें मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। ये इस इंग्लिश जो कंपलसरी है उसका सिलेबस है जो मैंने लिख के यहीं पे इसे कर लिया है। चलिए आपको मैं इसका पहले इंडेक्स दिखाती हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद का दिखाऊंगी। अभी इसकी अगर आपको यही बुक लेनी है तो इसकी न्यू एडिशन आ गई होगी, आप उसे ले। ये बुक कलरफुल है, सिर्फ ये है इसके अंदर के जो है वो चीज़ कलरफुल नहीं है। यहाँ पे हमारा कंटेंट दिया है, ये देख सकते हैं, यूपीएससी मेंस कंपलसरी इंग्लिश सॉल्व पेपर। हमने 2019 से स्टार्ट किया है, ये ऊपर से स्टार्ट किए हैं पूरा 2001 तक का। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्ट पेपर 2001। उसी तरह से IES ISS जनरल इंग्लिश सॉल्ट पेपर है जो कि 13, 14 और 15 की है। इसी तरह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की है, वो भी 13, 14, 15 की है। ये है PSC SCC मेंस एग्जामिनेशन कंपलसरी इंग्लिश सॉल्ट पेपर 13 और 15 की है। उसी तरह से उसके बाद लास्ट में यहाँ पे स्पेलिंग एंड वोकैब दिया हुआ है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कॉमन हमें पढ़ना रहता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विस का जुडिशियल ब्रांच का है, मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन 2019 का है। ये सॉल्ट पेपर 2019 का है हरियाणा का, ये यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फिर इसी तरह से यहाँ पे पंजाब सिविल सर्विस का है 2018 का। फिर यहाँ पे ये भी पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच 2018। उसके बाद मैं आपको यूपीएससी का दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ से हमारा यूपीएससी स्टार्ट होता है, यूपीएससी मेंस हमारा कंपलसरी इंग्लिश सॉल्व पेपर जो कि 19 से स्टार्ट किए हैं। ये है हमारा 2019 से इंग्लिश कंपलसरी, आप देख सकते हैं ये जिस तरह से वहाँ पे पेपर में हमारा फर्स्ट रहता है उसी तरह से यहाँ पे सारा आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि है राइट अ एसे एंड अबाउट 600 वर्ड्स, फिर उसके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं एसे का। यहाँ पे सोर्स क्या है, कहाँ से उन्होंने लिया है, विकिपीडिया से, तो उसको भी इन्होंने साइड में यहाँ पे बता दिया है। फिर इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 2 है, उसका ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन 3, उसका आंसर है। फिर यहाँ से हमारा ग्रामर जो स्टार्ट होता है उसका भी आंसर आपको जस्ट नीचे ही दे दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा होने के बाद एक जगह पे आंसर दिया हो, इस टाइप का नहीं है, जिस ईयर का जो है वहीं पे आपको आंसर दे दिया। इसी तरह से ये देखिए इसके आंसर यहाँ पे है, सबके आंसर जस्ट नीचे में है तो आप आराम से इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से इसका सबका आंसर है, मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ, बाकी ये सिर्फ सॉल्ट पेपर है। इसी तरह यहाँ पे 18 का है, सेम पैटर्न है, वही जैसे आंसर उसमें दिया गया है इसमें भी वही है। फिर लास्ट मैं 2001 तक का आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 2009 का है ये। इसी तरह 2006 फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि इसमें और यूपीएससी के अलावा और क्या चीज़ें दी हुई है। ये 2001 हमारा लास्ट। आप इंग्लिश कंपलसरी के लिए सिर्फ
जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको ही सॉल्व करके जाएंगे, तो उससे आपका हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है IES ISS 2013 का सॉल्व पेपर। आप इसको भी सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आप किसी भी, इसलिए इसमें बहुत सारे ऐड है ताकि आप सारे पेपर का, अगर आपको वो कम पड़ रहा हो जो सॉल्ट पेपर है हमारा वो कम पड़ रहा हो तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी है। फिर यहाँ से ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जनरल लेंगे सॉल्ट पेपर, यहाँ से है 2013 और 14-15 आई थिंक तीन ईयर का ही है। फिर यहाँ से भी 14 का है ये देखिए, बस उसके बाद मैं इसमें एक्स्ट्रा और क्या दिया है वो दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं एक्स्ट्रा में यहाँ पे डिक्शनरी की बोल सकते हैं। ये देखिए जितना भी अल्फाबेट हमारा ए टू जेड है उसका सारा यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है ए टू जेड आपको, सिनोनिम्स इसको आपको दिया हुआ है अच्छे से, आप पढ़ सकते हैं रोज, आप पाँच पाँच भी पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। फिर इसमें और एक्स्ट्रा दिखा देती हूँ दूसरी चीज़ें, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा में हमारा जो है वो ट्रिकी वर्ड्स, जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं जिसको हमको इस स्पेलिंग में या फिर उसको प्रोनंसिएशन में जो हमको कन्फ्यूज़न हो देख सकते हैं। फिर यहाँ से द बेसिक्स एंड द रूल ऑफ गवर्निंग स्पेलिंग उसको भी इसमें अच्छे से दे दिया है, ये देख सकते हैं ये बहुत सारी है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ये बहुत सारी लास्ट तक यही है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड कॉमनली जो मिसप्लेस्ड रहते हैं वो है सेट के में, इसमें दे दिया सेट में डिवाइड है सेट वन सेट टू इसी तरह से सेट फाइव देख सकते हैं। तो ये बुक अच्छी है, सॉल्व पेपर भी है प्लस आपको एक्स्ट्रा जो ग्रामर है वो भी चीज़ इसमें ऐड है, और इसका जो कॉस्ट है वो 375 है, देख सकते हैं आप किसी का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका ही ले। मैं सिर्फ इस बुक के रिव्यू कर रही हूँ, बाकी आपको किस बुक के साथ जाना है ये डिसीज़न पूरा आपका रहेगा। आप किसी भी बुक को लेने से पहले उसका रिव्यू देख लीजिए ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रही हो और कौन सी बुक के साथ आपको जाना है। मैं सिर्फ इसका रिव्यू कर रही हूँ, आप इसे अपने डिसीज़न से लें। और मैंने YouTube में और भी UPSC की जितने भी इम्पॉर्टेंस बुक है उसकी भी रिव्यू डाला है। आप अगर किसी बुक्स में कंफ्यूज है कि आपको लेने में डाउट हो रहा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।